जमशेदपुर के परसुडी स्थित घाघीडीह केंद्रीय कारा में जिला प्रशासन की ओर से छापामारी अभियान चलाया गया। सुबह 9 बजे से जारी यह अभियान कई घंटे बीत जाने के बाद भी जारी है। इस अभियान का नेतृत्व जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री कर रहे हैं। उनके साथ डीडीसी धालभूम, अनुमंडल पदाधिकारी, सीओ समेत भारी संख्या में महिला और पुरुष जवान शामिल हैं। सुबह 9 बजे ही डीसी मंजूनाथ भजंत्री दल बल के साथ घाघीडीह केंद्रीय कारा पहुंचे और छापेमारी शुरू की। हर वार्ड की तलाशी ली जा रही है। जानकारी देते हुए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि जेल के अंदर कैदियों को दी जाने वाली हर सुविधा के साथ साथ किसी तरह का कोई संदिग्ध सामान जेल के अंदर तो नहीं है, ऐसी हर बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि कई आपराधिक घटनाओं के पीछे जेल के अंदर की बात सामने आती है, ऐसे में उन सभी बिंदुओं को देखते हुए हर वार्ड में जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई संदिग्ध सामान जेल के अंदर से नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जांच अभी भी जारी है। सुबह सुबह जो हमारे जिला के वरीय पदाधिकारी पुलिस ऑफिसर्स जो है औचक निरीक्षण घाघीडीह सेंट्रल जेल का किया गया और इसमें सभी वहाँ जो चेकिंग जो है हम लोगों ने किए और विशेषकर जेल में जो सुविधाएं जो मिल रहे हैं, साफ सफाई का हो गया, खाने का हो गया, नीचे का और कोई प्रतिबंधित सामान तो नहीं है, तो ये सारे चीज़ हम लोगों ने चेक किया। तो अभी भी जांच चली रही है और अभी तक किसी तरह का वैसे प्रतिबंधित सामान नहीं मिली, लेकिन ये जो है रूटीन हम लोगों की औचक निरीक्षण हम लोग करते रहे, तो इसीलिए हम लोग लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं और हमारे अलग अलग सूचना तंत्र से भी नजर बनाए हुए हैं और इस तरह के अगर कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आती है तो हम जो कड़ी कार्रवाई करेंगे। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।